हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। राधे राधे। तो चलिए आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ। भगवान लंबी निद्रा में जाने के समय रहते हैं देवशयनी एकादशी, 4 महीने रहते हैं और उसके बाद देव उठनी एकादशी आते हैं। तो चलिए आज हम ये खास दिन के बारे में बताएंगे। ऐसा विश्वास है कि भगवान भी बीमार होते हैं और उनकी भी चिकित्सा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और पद्मनाभा एकादशी नाम से भी पुकारी जाने वाली एकादशी इस वर्ष 1 जुलाई को आ रही है। इस दिन से गृहस्थ लोगों के लिए चतुर्मास नियम प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन श्रीहरि शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में श्रीहरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। चतुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। ऐसे विश्वास है कि आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। इन 4 महीनों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन ग्रह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। अभी हम देखेंगे, अभी देवशयनी एकादशी के बाद जब देव उठनी एकादशी कब आते हैं। 2020 में देव उठनी एकादशी 25 नवंबर को है, बुधवार को है। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियों कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावित हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां क्षीण होने लगती है। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है और चतुर्मास जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्मसंयम काल है, देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। भगवान विष्णु के प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। 2020 देवशयनी एकादशी आ रहे हैं 1 जुलाई बुधवार को। अभी हम इस साल आने वाली एकादशी का तिथि प्रारंभ कब होते हैं और समाप्त कब होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इस साल 2020 में एकादशी व्रत तिथि प्रारंभ हो रही है।
यानी देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है जून 30 तारीख को शाम के समय 7:39 से, और इसी तरह एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 जुलाई शाम को 5:29 तक। पारण का समय 2 जुलाई सुबह के समय 5:26 से और सुबह 8:13 तक है, और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 3:16 सायं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि पूजा कथा सब मैं अगले वीडियो पर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।